आप सभी का स्वागत है। काफी रस्साकशी के बाद संपन्न हुआ उल्लासनगर स्थायी समिति अध्यक्ष पद का चुनाव। आखिर काफी तोड़जोड़ के बाद विजय पाटिल ने इस चुनाव को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली, जिससे पाटिल समर्थकों में उमंग व खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वह पहुंचे उनके दफ्तर बधाइयां देने। बता दें दोस्तों, स्थायी समिति अध्यक्ष पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और काफ़ी घमासान के बाद विजय पाटिल इस पद को हासिल करने में कामयाब हुए हैं व यह चुनाव जीत गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने इतना महत्वपूर्ण पद कॉर्पोरेशन के अंदर हासिल किया है, धन्यवाद। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो हम बहुत पुराने जनता के सेवक हैं, कम से कम 30-32 साल हो गया मुझे, पर अभी ये स्टैंडिंग सभापति जो मिला है धर्मवीर आनंदीगे साहब की आशीर्वाद से, और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे है, उनके आशीर्वाद से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने फॉर्म भरा था, फिर मुझे इनका आशीर्वाद मिला सबका। तो जो जुना इतना कार्य करता है, उसको अगर कभी संधि मिलती है तो मेरे हिसाब से वो संधि का लाभ करके लेना चाहिए और अपने शहर का विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के लोग ही कुछ बोल रहे हैं कि इन्होंने बंडखोर की भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है विजय जी? देखिए, वो सीनियर है, मेरे वरिष्ठ है, उनके लिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर उनका ही वहाँ कुछ चलता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं वहाँ। अगर वही मेरे दोस्त है, वो अगर ऐसे कुछ बोलेंगे मेरे लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। तो आपको किन किन का सपोर्ट मिला इस इलेक्शन की जीत में? सेना का मिला, RPI का मिला, राष्ट्रवादी का मिला। अच्छा, तो उन सब के लिए आपको मतलब कुछ धन्यवाद कहना चाहेंगे या? मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, और जब भी उन्होंने कुछ मुझसे कहा तो उनका जरूर मैं वापस भी आशीर्वाद लूँगा और उनके कहने से ही चलूँगा। धन्यवाद पाटिल जी। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।